सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो उनके लिए जो सीएस रैंक पुश करते हैं और जिनके पास स्क्वाड नहीं है, ठीक है, और उनके लिए भी है जिनके पास स्क्वाड है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने फाइनली नेक्स्ट सीजन ग्रैंड मास्टर पूरा लास्ट तक किया था और मेरे को अवतार एंड बैरन मिल चुका है, मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया था, आप जाके देख सकते हो। मैंने इसी ट्रिक का फॉलो करके भाई मैं ग्रैंड मास्टर गया हूँ बिना स्क्वाड के। मैं 100% बोल रहा हूँ आप ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, लेकिन वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैंने फर्स्ट सीजन ग्रैंड मास्टर किया, मेरे को पता चल गया क्या क्या करना पड़ेगा, इजीली फिर से हम लोग सेकंड सीजन ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। अगर आपको भी फ्रेंड लिस्ट में कोई बंदा होगा तो देखते होगे आप कि एक सीजन ग्रैंड मास्टर जाने के बाद से वो हर सीजन ग्रैंड मास्टर जाता होगा, क्योंकि उसको आराम से पता चल जाता है कि क्या क्या उसको करना पड़ेगा और उसका ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। लेकिन वो आपको वो ट्रिक शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपके इस वीडियो में वो सब ट्रिक शेयर करने वाला हूँ यार। लेकिन वो सब ट्रिक शेयर करने से पहले आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि यार मेरे को जल्दी से 20 के सब्सक्राइबर करने हैं, फैमिली बनानी है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा जिसे आप इजीली ग्रैंड मास्टर पुश कर सको, ठीक है। मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ कैसे क्या करना है। अगर आप डेली मतलब अच्छा गेम प्ले करते हो, ठीक है, डेली आप अच्छा गेम प्ले करते हो तो आपको डेली 5+ या 10+ या 6+ जो भी आपको होता है, लेकिन 5 से मतलब 5 स्टार से ज़्यादा आपको डेली का प्लस करना है, ठीक है। मैं भी खुद डेली का ऐसे 5 स्टार प्लस करता हूँ और लास्ट मतलब क्या नाम है लास्ट सेकेंड में मतलब लास्ट महीने में आपका इजीली हो जाएगा 300 स्कोर। अगर आप उससे अच्छा मतलब एक दिन में 5 स्टार से ज़्यादा का प्लस करते हो, आपका ग्रैंड मास्टर सेकेंड हो जाएगा। 300 स्टार पे ग्रैंड मास्टर सेकेंड होता है और आपका इजीली ग्रैंड मास्टर सेकेंड हो जाएगा, वो भी लास्ट के महीने में, और बंदे भी उतने अच्छे नहीं आएंगे जिन्हें आपका रैंक माइनस हो सके। और आप अपने स्क्वाड के साथ नहीं खेलते हो मेरे भाई, तो यार आप डेली का तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेली 5 का प्लस ना कर सको। जरूर आप बहुत अच्छा खेलोगे और आपके टीममेट आएंगे उनका भी रैंक आपके बराबर ही रहेगा, वो भी अपना रैंक प्लस जरूर करेंगे और उसी के बारे में आप भी अच्छा खेलोगे और वो भी अच्छा खेलेंगे, तो आपका स्क्वाड सॉरी आपका जो रैंक है इजीली प्लस हो जाएगा। डेली का 5+ करो, मैं ऐसे ही किया था नेक्स्ट ईयर में, डेली का 5+ 6+ कर रहा था और मेरा ग्रैंड मास्टर पे था। मेरे दोस्त लोग डेली का मतलब 6-7+ कर करके वो ग्रैंड मास्टर सेकेंड पे थे, उनको भी अवतार बैनर मिल गया और मेरे को मिल गया, ठीक है। तो यार मेरा मतलब फ़ोन थोड़ा लैग करता है तो वो मुझे लेके अपने साथ नहीं खेलते हैं, क्योंकि मैं ही अपने टीममेट में पूरा नूब रहा हूँ, तो वो लोग बहुत ही कम मेरे चांस बाई चांस कभी कभी गेम खेल लेते थे और वो अपने साथ मतलब अलग से न्यू स्क्वाड बना के हमेशा वो लोग अपने साथ खेलते थे। तो यार डेली का आपको टारगेट बना लेना 5 से 6 पुश करने के लिए। और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि आपको टीममेट में ट्राई करना है कि अगर आप ग्रेन नहीं करते हो तो 100% ट्राई करना है। अगर मतलब एक दो बंदे अगर आपके साथ खेल रहे हैं जो आपको फ्रेंड में है आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो बोल देना ड्रोन वाला कैरेक्टर लेना जिनका मूवमेंट स्पीड 100% स्लो हो जाता है, मतलब 60% स्लो हो जाता है और आप इजीली रश कर सकते हो मेरे भाई, ठीक। अभी देख सकते हो मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा हूँ, ये मतलब ये जो एरो करके बंदा है ये मेरे को बुलाया और ये लोग बंदे मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। देखो ये अभी ड्रोन ऑन किया यहाँ पे और देखो फटाक से यहाँ पे रश कर दिया, ठीक है। उनको जाके लग जाएगा, उनका 60% मूवमेंट कम, चारों को लोग इजीली जाके मार सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यार ये सब है, ये ट्रिक बहुत ही तगड़ा ट्रिक है, इसको यूज करना आप लोग, 100% का प्लस जाएगा डेली का 5-5 करना। और बता देना चाहता हूँ आपका जितना भी हो सकता है ना, आप 5-6 गेम खेलना, अगर आपका मतलब एक दो गेम माइनस चला जाता है, 3 गेम माइनस, हार्ड बंदे आने लगते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप जाके एक क्लासिक खेल लेना, एक यार लॉन वुल्फ खेलना, ठीक है। लॉन वुल्फ खेलने के बाद से जैसे आप फिर से जाके सीएस रैंक खेलोगे तो 100% आपका वो गेम प्लस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से नूबड़े बंदे आने लगते हैं। अगर आप लगातार खेलोगे तो हार्ड बंदे आएंगे। और मैं नेक्स्ट टिप्स जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने स्क्वाड के साथ कैसे पुश कर सकते हो वो भी ट्रिक लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। इस ट्रिक का जरूर यूज़ करना।